तो गाइस यार आज की जो वीडियो है वो भी सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ गाइस, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है कॉटन कैंडी मशीन। अरे हाँ वही यार, गुड़िया के बाल बनाने की मशीन। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ओल्ड मॉडल है लेकिन काफी अच्छे से काम करता है। तो गाइस यार आइडिया ये है कि आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी कॉटन कैंडी और उसके बाद में उसे हम डिसॉल्व कर देंगे वाटर के अंदर। जी हाँ गाइस, तो यकीन मानो आज की जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे शुरू से लेकर एंड तक पूरी जरूर देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना यार, ठीक है। और हम फटाफट से इस मशीन को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे गुड़िया के बाल बनते हैं, कैसे बड़ी कॉटन कैंडी बनती है और किस तरीके से वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो गाइस यार पहले मैं सोचता था कि पता नहीं यार ये जो गुड़िया के बाल होते हैं किस चीज़ से बनते होंगे, लेकिन अब मुझे पता है कि इसे बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ शक्कर का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ उसके अंदर कलर दिखाने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दिया जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि काफ़ी सिंपल सी मशीन है यार। यहाँ पे एक चक्रा लगा हुआ है जिसे घुमाने पर ये मेन अंदर का जो हिस्सा है ये घूमता है और इसके नीचे हमें स्टोव लगाना होता है। और ये जो स्टोव है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर देखो यहाँ से एक बर्नर है उस जिसे कि इसके नीचे कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। तो पहले इसे लगा देते हैं, लगाओ, और ऊपर से उसके बाद में हमें इस चक्रे के अंदर शक्कर डालनी होती है। अगर अपने को नॉर्मल कॉटन कैंडी बनानी है तो नॉर्मल शुगर डाल देंगे और कलरफुल बनानी है तो उसके अंदर कलरफुल शुगर डाल देंगे और नीचे से बर्नर को ऑन कर देंगे। चलाओ भाई बर्नर ऑन करते हैं। गुड़िया बाल ले लो, गुड़िया बाल। आप देख सकते हैं कि ये चक्रा धीरे घूम रहा है लेकिन ये वाला चक्रा काफी तेजी से घूम रहा है, बहुत तेजी से। अब इसके अंदर शक्कर डाल देते हैं। शक्कर डालो, अभी से गर्म होना स्टार्ट हो गया। अभी इलेक्ट्रॉनिक गुड कॉटन कैंडी मशीन भी आती है लेकिन ये काफी ओल्ड मॉडल है, इसीलिए हाथ से चलाना पड़ता है और हाथ वाली में ज्यादा मजा आता है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने शक्कर लोड कर दी है और नीचे से बर्नर इसको गर्म कर रहा है। नीचे वाली जो शुगर है वो मेल्ट होती जाएगी और मेल्ट होने की वजह से धंधा स्टार्ट हो गया। पहले मैं छोटा था ना गाइस, 1 रुपए में 1 कॉटन कैंडी आती थी और अभी 10 रुपए में 1 कॉटन कैंडी आती है। जमाना बहुत आगे निकल गया। अब देखो अभी से भी धीरे धीरे कॉटन की स्ट्रिंग्स जो है वो बनना स्टार्ट हो गई। ये देखो, चलाओ चलाओ चलाओ, चलने दो। इसकी साइड में कॉटन कैंडी बनना स्टार्ट हो गई है। लकड़ी का डंडा ला, लकड़ी का डंडा। चाकू लो। चलाओ 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 जल्दी, घुमाते रहे। भाई नया नया धंधा स्टार्ट किया है यार, थोड़ा आइडिया नहीं है इतना, लेकिन कॉटन कैंडी तो बन रही है। ओ जाने दो, आने लगी। ओ स्पीड तेज होगी। यो ओए बन गए। छोड़ इधर आंदे हालिया। ऑलराइट गाइस, तो पैसे खाने तो दो यार, पैसे खाने तो दो, ले लेना 1 रुपया, ले लेना बाद में बैठ से, ठीक है। तो पहली बार अपने खुद के हाथ से बनाई हुई कॉटन कैंडी टेस्ट करके देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमने सक्सेसफुली कॉटन कैंडी बना ली है। अब बनाते हैं इसको बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा।
Take this to your grave. ऑलराइट गाइस, तो यार सुबह से शाम तक लगने के बाद फाइनली हमने बना दिए दुनिया की सबसे बड़ी कॉटन कैंडी। ऑलराइट गाइस, तो यार इसे बनाने में सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है यार। सीधे खा सकते हैं इसे, मजा आ रहा खाने में। लेकिन गाइस यार असली मजा तो तब आएगा जब इतनी बड़ी कॉटन कैंडी को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे। लेके आओ धीरे, लेके आओ धीरे, लेके आओ। गाइस आप देख सकते हैं ये हमसे भी काफी बड़ी है यार। लेके आओ, लेके आओ, इधर 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 इधर, अबे इधर जल्दी ले, इधर ले, इधर ले। तो गाइस यार जैसे ही अपन कॉटन कैंडी को खाते हैं वो मुंह के अंदर डिसॉल्व होती है, तो उसी चीज को हम पानी के साथ में ट्राई करके देखेंगे। इसीलिए हमने इतनी बड़ी कॉटन कैंडी बनाई है। और गाइस अब देखना मैजिक। गाइस आपने यार किस तरीके से हमारी जो कॉटन कैंडी है वो इसके अंदर गायब हो गई। देखो ये कितना ज्यादा सेटिस्फाइंग है यार। देखो देखो हम डालते जा रहे हैं और ये गायब होती जा रही है। देखो देखो ओ गई, देखो ओ देखो क्या बात है यार। गाइस देखो अबे कितना बड़ा था ये तो। मेरे को अंदर, अरे आराम से। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतनी बड़ी कॉटन कैंडी इतनी सी देर के अंदर ही डिसॉल्व हो गई। देखो देखना, अभी देखना देखना, एक साथ पटकते हैं, एक साथ बहुत सारा पटकते हैं, एक साथ बहुत सारा पटकते हैं, है ना, एक साथ बहुत सारा पटकते हैं और फिर देखना कैसे ये डिसॉल्व होती है। देखना देखना पटको, देखना बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पानी नहीं तेजाब हो। तेजाब ने इसको जिस तरीके से डिसॉल्व किया उस तरीके से ये डिसॉल्व हो गई। घंटों की मेहनत और मिनटों में काम खत्म। घंटों की मेहनत पानी में गई, लेकिन मजा आया देखने में। और गायब गायब। अब देखो कहाँ गया कॉटन कैंडी का डंडा, लेके आ। अब आप देख सकते हैं कि इतनी सारी कॉटन कैंडी कितनी जल्दी डिसॉल्व हो गई, मतलब कि यार सोचो यार। और साथ साथ गाइस इतनी सारी कॉटन कैंडी बनाने के लिए हमें 1 kg शक्कर की जरूरत पड़ी थी, यानी कि हमने इसके अंदर 1 kg शक्कर को मिक्स कर दिया। टेस्ट करूं पानी, कुछ ही नहीं हुआ क्या? इससे कुछ मीठा ही नहीं हुआ। तो गाइस मन में था यार, क्योंकि जब भी कॉटन कैंडी खाते थे दिमाग में ये रहता था यार मुंह में जाते गायब हो जाती, मुंह में जाते गायब हो जाती। इसको बड़े चीज़ बड़े लेवल पर ट्राई करते हैं ना, तो बड़े लेवल पर ट्राई किया, यकीनन मज़ा आया, एक नई चीज़ देखने को मिली। आई होप आपको भी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।